अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की जात से कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक दोनों जहानों की खुशियाँ और आफियत और सलामती के साथ नसीब फरमाए हम सबको। आमीन सुभानहू। और देखें कैसे हैं आप सब। आज आपको दिखाना था अपने सेहन में जो क्यारी है उसके प्लांट्स दिखाने थे आपको। ये देखें स्पाइडर प्लांट और इधर है हमारा ये सिंगोनियम। ये देसी वाला सिंगोनियम है जो हाइब्रिड है, इम्पोर्टेड वो ऊपर है हमारे गार्डन में। ये हमारा सेहन। इधर बस ये कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग वगैरह लगा के छोड़ दी थी क्योंकि इधर शेड है, ये शेडी एरिया है तो इसमें कटिंग्स लगा देती हूँ। देखिए लाल सा है इसकी, मैंने दो चार ऐसे ही इस पॉट में कटिंग लगा देती हूँ और माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह ये सर्वाइव कर गया। और ये है हमारा, आपको पता है ना, मॉन्स्टेरा, तो इसकी मैंने इधर से कटिंग ली थी, वो मैंने लगा दी थी और वो सेल भी हो गई। बकाया देखें ये एस्पैरागस, ये ऐसे ही बॉटल में ही मैंने, ये एक प्लांटर है इसमें मनी प्लांट, ये नीचे से ऊपर जा रही है और ये ऊपर चढ़ गई। ये भी देखिए एक बॉटल है और इसमें भी बस ऐसे शेड में कटिंग्स लगा के छोड़ देती हूँ। और ये हमारी आप देखिएगा कि ये गोल्डन पोथोस, देखें आप कितना इसका खूबसूरत कलर होता है। पूरे सब यानी जितने प्लांट्स होते हैं ना हमारे, उन प्लांट्स के दरमियान ये बहुत खूबसूरत कलर ऐड करता है। और ये हमारा पर्पल हार्ट, और ये देखें नैंथ्रा, ये भी कलर चेंज करता रहता है। विंटर्स में बिल्कुल रेड हो गए थे इसके लीव्स ना इस तरह, और अब दोबारा फिर ये रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में आ गया। वन जिंजू भी है इसके अंदर, एरिसिन देखें, और बस ये इस क्यारी का लुक दूर से कुछ इस तरह, पता नहीं धूप भी है ना मेरे फेस पे, बिल्कुल धूप है। और इधर जा रही है ये हमारी बोगनविलिया। बोगनविलिया पे आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने प्लांट की मैंने जो इधर कटिंग्स लगा दी थी ना, तो इन्होंने देखें जड़ पकड़ ली वंडरिंग जू पे, ओ नहीं ये सॉरी बोगनविलिया पे। देखें कैसे ये बोगनविलिया पे इन्होंने अपना बसेरा कर लिया। आप देखें मैंने इसके ऊपर इसको फिर बांध दिया था और अब इसके बिग लीव्स होना शुरू हो गए, इसको सपोर्ट मिल गई सूटी के साथ। और आप देखें कि ये हमारी बोगनविलिया, इसको मैंने हार्ड टोन करवा दिया था देखिए हाँ, और माशाल्लाह नई जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये हमारा है ऑरेंज बोगनविलिया, ऑरेंज कलर में, ये देखिए आप कहाँ बाहर है ये फैली हुई है। और जब इसके फूल ज़्यादा हो जाते हैं ना, इसकी हैवी प्रॉब्लम, तो झड़ते भी रहते हैं, फ्लावर नए भी आते रहते हैं, तो पूरी गली में प्रॉब्लम ऐसे गली के जैसे कोई खर्च करके आया हो। और आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए आपको ये टाइलों वाला जो घर नज़र आ रहा है ना, ये वाला ठीक है, ये है मेरी अम्मी का घर बिल्कुल अपोजिट। और वो जो वाइट आगे आपको नज़र आ रहा है ना, वो बड़े भाई का घर है। हम तीनों बहन भाई इधर ही हैं बिल्कुल आमने सामने, देखिए। और ये और ये मेरी बेटी का ससुराल भी है, मेरी बेटी सामने वाले घर में गई हुई है यानी मेरी अम्मी के घर गई हुई है, भाई के बेटे के साथ शादी हुई है मेरी बेटी। और आपको दिखाती हूँ और फिर हम इधर से बातें करते रहते हैं। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स करके बताइएगा मेरा अम्मी के घर। और ये इधर से मैंने अपनी ये जो है हमारी रोज़ वाइन क्लाइंबिंग रोज़, ये देखें
मैंने इधर पता क्यों लगाई हुई है कि मेरी अम्मी का घर है सामने, वो भी अपनी बेटी के गार्डन को इंजॉय करें और खुश हों कि मेरी बेटी के घर में बेटी बेटे के अच्छे नसीब करें, लगभग औलादों की सआदतें खुशियां नसीब फरमाए और औलादों की आजमाइश से बचाए। बस मैं तो ये दुआ करती हूँ अल्लाह औलादें दे नेक साले आफियत के साथ बरकतों वाले और आजमाइश से बचाओ औलाद के। ये देखिए आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ कितनी ग्रोथफुल इसकी हो रही है। देखिए आप फ्लावरिंग ऊपर तक जा रहे हैं। ऊपर देखिए हमारा टेरेस है, गार्डन जो है हमारा गार्डन, और ये नीचे इस सब इतने फ्लावर्स माशाल्लाह फुल वाइट हो जाती है। अभी ये तकरीबन एक हफ्ते में ना ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी। इधर ये है हमारा विंका देसी वाला, पर्पल कलर में है ये, वाइट पर्पल है शायद। और ये आपको बताती हूँ ये है मधुमालती जिसे कहते हैं ना, हम तो झुमका बेल कहते हैं उर्दू में, से इंडियन जो हैं वो इसे मधुमालती कहते हैं। और ये देखें आप इधर भी ये कितनी घनी हो चुकी है। ये इस वाले कॉर्नर पे लगी हुई थी, इस वाले बिल्कुल इधर कॉर्नर पे, फिर मैंने इसको निकलवा दिया। इधर से बहुत हैवी हो गई थी, ऊपर तक संभालने मुश्किल हो गई थी ना मुझसे, मैंने बिल्कुल जड़ से ना उखड़वा के इसे फेंक दिया। अब देखें जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब आप देखें एक ही जगह एक देखें ये निकल के आ रही है इधर से, एक ही इतनी बुशी हो गई है दो, ठीक है एक दिखाती हूँ तीन, ये निकल के आ गई है, और चौथी आप देखें कि ये निकल के आई हुई है। अब मैं क्या करूँ, देखिए हम कभी मायूस ना हों कि ये नहीं है वो नहीं है मुझसे ये नहीं होता वो नहीं होता, एक चीज़ छिन गई उस पर उदास हो गए, नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पे उम्मीद रखें, वो हर चीज़ पे कादिर है, सब चीज़ के बगैर सब कुछ करने पे कादिर है, हम उसके ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो जाए। देखिए एक निकाली और ये कितनी बनी हुई है, और आप यकीन जाने कि इधर भी थी वो तो मैंने निकाल दी थी, अभी नई शूटिंग साथ जो होते हैं फ़ौरन निकाले बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ये देखिए ये है एक और क्रीपर है ये, इसे क्या कहते हैं, देखिए मेरे जहन से इसका नाम निकल गया, और देखिए इस पे ऑरेंज कलर के स्पीकर वाले फूल लगते हैं ना, जहन से नाम निकल गया, बस ऐसे ही होगा था इंसान जो कुछ बोल रहा होता है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से है, जो कुछ कर रहा होता है हम कुछ भी नहीं है। तो आप ये देखें कैसा लगा आपको हमारा ये गार्डन, और अभी वाटरिंग वगैरह की थी, पानी पड़ा हुआ है, ये मनी प्लांट का सेक्शन, और इधर से आपको दिखाती हूँ ये है हमारा एक झरोका सा है सीढ़ियों में नीचे सेहन में तो हवा के लिए। ये देखिए इसमें एक प्लांटर में हमने लगा दिया था अपना स्पाइडर प्लांट, और अब देखें कि इसकी ग्रोथ इसकी हालत माशाल्लाह आप देख रहे हैं। इसमें से जो निकलते हैं ना बेबीज़ वो मैंने इसमें इस प्लांटर में दबा दिए थे, और आप देखें कितने ये ग्रोथफुल अंदाज में प्लांट्स बन गए। इसमें भी मैंने दबा दिए, इसमें भी मैंने दबा दिए, देखिए ये निकलते हैं ना इसके फ्लावर्स देखें ऐसे बेबीज़, तो इनको ही मैं इधर लगा दिया मैंने। और देखें आप ये प्लांटर भी तैयार हो गया हमारा हैंगिंग के लिए, और इधर से देखें ये पूरा सेक्शन जो है ये स्पाइडर प्लांट का बन गया, ये आप देख सकते हैं देखें कितना खूबसूरत। और ये स्वीट पोटैटो वाइन, और ये वन रिंग ट्यू है वाली, देखें ये मैंने उखेड़ दी थी सारी, मगर अब फिर इसकी नई शूटिंग स्टार्ट हो गई, बड़ा खूबसूरत कलर ऐड करते हैं ये हमारे गार्डन में। इधर ये कॉलेज आप इस कॉलेज का कलर चेक कर सकते हैं, देखिएगा जरा कितना खूबसूरत पिंकिश डार्क पिंक ऑफ वाइट ग्रीन येलो, इस वजह से कुदरत के सारे ही रंग आ चुके हैं।
से, और ये देखें स्पाइडर प्लांट के कोई रूट इधर से निकल गए, और देखें कि इधर भी बेबी सर हॉर्स और पर्पल हार्ट ऐसे ही कॉम्बिनेशन में लगा दिया। एक हैंगिंग प्लांटर, ये हमारे स्पाइडर प्लांट है। और आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ, लाल सा ये बड़ा उल्ट पुल्ट हो रहा है, इसकी कटिंग करने का मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा है। ऊपर जाती हूँ गार्डन में तो ये प्लांट्स रह जाते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है हमारे एस्पैरागस वाइन, ये देखें इसकी इस तरह से निकलती हैं स्टॉक्स, ये देखें आप, ये बिल्कुल मैंने ना सर्दियों में बिल्कुल उसको जड़ से इधर से बिल्कुल लास्ट से इसको हाथ वॉर्म कर दिया था। अब ये देखें किस अंदाज के साथ इसकी इतनी ये स्टॉक्स निकलती आ रही हैं, तो ये मुझे संभालनी मुश्किल हो रही है। ये उल्ट उल्ट हो रहा है सारा लीवा में जैसा, तो इनको बांधने का एक लगेगा टाइम। देखें इनको सपोर्ट देनी है, ये देखिएगा इधर से ऐसे, ये देखें ये आप चेक कीजिएगा, ये इधर से ये देखें ये इनका क्या हाल हो रहा है। अब आपको पता ही है ना इसमें कितना टाइम लगेगा और कैसे बांधना पड़े। उसके साथ ही फिर हमने लगाई हुई है ये रेलवे क्रीपर, ये देखें इतना खूबसूरत इसके लेग्स होते हैं कलर, और देखें कैसे एस्पैरागस वाइन के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर कैसे इन्होंने बसेरा कर दिया। ये देखिए ऊपर तक जा रही हैं, इधर ये सब मिक्स एंड मैच हुए हैं। अब इनको आपको ही पता है कि मेरा कितना टाइम लगना है इनके ऊपर। इधर से कुछ ऐसे आ रहा है हमारा, ये थोड़ा सा टूटा फूटा सा मगर खूबसूरत सा एक व्यू, ये देखिए आप, और इधर से ये वही हमारी जो है सेहन में मनी प्लांट, ये तो आप वीडियो देख चुके हैं इसके ये बिग लेग्स। ओके, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दें आपने, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है? मैं आपके चैनल को सपोर्ट करती रहती हूँ, जो भी मेरे पास वीडियो जो मैं सामने आती है मैं फौरन उस पर कमेंट्स भी करती हूँ और वॉच भी करती हूँ और सब्सक्राइब भी तो कर देती हूँ। इधर ये देखें हमारा वॉश बेसन, वॉश बेसन के ऊपर एक बॉटल है, उसमें ही देखें ये स्पाइडर प्लांट और सिंगोनियम किस खूबसूरत अंदाज के साथ ये वॉश बेसन पर आ रहा है। आप देखिएगा कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स और शेयर। के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।